इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम इन शॉर्ट IRFC के नाम से जानते हैं। कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स को जस्ट अभी पब्लिश कर दिया है, तो चलिए देखते हैं इस बार के नतीजे कैसे रहे। तो पहले आउटकम की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को लेकर अनाउंसमेंट हुई है अलॉन्ग विद द लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स। इसके अलावा अनदर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है फिलहाल अभी। तो डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट से रिलेटेड हमें कोई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही। तो चलिए देखते हैं IRFC के इस बार के जो नंबर्स हैं वो कैसे रहे। तो सारे फिगर मिलियंस में हम लोग डिस्कस करेंगे इन करोड़्स में। Q1 की अर्निंग्स है 4 की, देन थर्ड कॉलम में आपको लास्ट ईयर का Q1 का डेटा देखने को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं जो कि कंपनी की मेन इनकम होती है, इंटरेस्ट इनकम प्लस लीज इनकम। वो लास्ट ईयर Q1 में अगर आप देखेंगे तो 2,131 करोड़ की थी, वो इस बार 1,800 पे आ गई, क्वार्टरली 2,100 से 18 पे। तो इंटरेस्ट वाली इनकम इस बार दोनों ही जगह डाउन है कंपनी की। देन अगर सेकेंड मेन इनकम की बात करें जो कि होती है लीज़ इनकम, वो 4,500 से 49 पे आ गई, क्वार्टरली 43 से 4,900 पे। तो लीज़ इनकम तो काफ़ी अच्छी ग्रो हुई है कंपनी की। आप दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि 6,600 करोड़ से 67 पे आ गया, क्वार्टरली 64 से 67 पे। तो टोटल रिवेन्यू आपको दोनों जगह बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देन उसमें आप डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम ऐड करेंगे, देन आती है टोटल इनकम जो कि 6,600 से 67 पे आ गई ईयरली और 64 से 67 पे। तो क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों ही जगह इनकम बढ़ी है। देन एक्सपेंसेस की अगर बात करें खर्चों की, तो 5,124 से 5,189 पे आ गए ईयरली और 4,700 से 51 पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी दोनों जगह बढ़ गए क्वार्टर और ईयरली। देन डिस्कस करते हैं टोटल प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड कंपनी को कितना हुआ। तो लास्ट ईयर Q1 में 1,551 करोड़ का प्रॉफिट था, वो इस बार 1,576 पे आ गया, और Q4 में 1,700 के प्रॉफिट थे, 1,700 करोड़ के, वो इस बार 1,576 पे आ गया। और मार्केट एस्टिमेट की बात करें तो किसी भी ब्रोकर ने इस कंपनी के ऊपर अपना एस्टिमेट नहीं दिया था, ना ही आपको कहीं देखने को मिलेगा, तो एस्टिमेट नहीं है अवेलेबल। तो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट बढ़े हैं थोड़े बहुत, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक गिरावट देखने को मिल रही है। सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा EPS में, जो कि 1.19 से 1.21 पे आ गया ईयरली, क्योंकि प्रॉफिट बढ़े हैं थोड़े से और क्वार्टरली प्रॉफिट कम है, तो 1.32 से 1.21 पे। तो ओवरऑल दोस्तों ये थे IRFC के नंबर, जो कि अगर आप देखेंगे तो साल दर साल प्रॉफिट तो बढ़े हैं थोड़े बहुत, बट कुछ ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। मोस्ट प्रोबेबली एक पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है और शेयर प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी आ सकती है। तो आपके पास IRFC के कितने शेयर्स हैं कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताएं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।